यू ड्राइव मी क्रेजी सेकेंड एपिसोड में हमें बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा किन थोड़ी मस्ती मजाक वाले वे में बैठा रहता है, एंड आज वहाँ की ओनर नहीं रहती है, वही वर्कर रहती है। आपको याद है ना फर्स्ट एपिसोड में उसने घनघोर बेइज्जती की थी हमारे हीरो की, वही वही। तो उसके साथ वो थोड़ी फ्लर्टिंग वे में बात करता रहता है, एंड उसका रिएक्शन भी बड़ा पॉजिटिव उसको आता रहता है क्योंकि वो काफ़ी हैप्पी हैप्पी वाला स्माइल देती रहती है, जैसे लगता है अभी कुछ थोड़ा और उसके साथ घुल मिल गया तो फ्लैट हो ही जाएगी। बट वो अपना हीरो पता नहीं क्या सोचता है, वापस अपने घर पर आता है, खाना खाता है, देन थोड़ी सी साफ़ सफाई करता है अपने घर की, फिर क्या करता है कि पेंटिंग करने की कोशिश करता है, बट उससे अच्छे से पेंटिंग होती नहीं है। तो क्या करता है कि बहुत थक गया रहता है, अब कोई भी इतना काम करेगा तो थक ही जाएगा ना, ऑब्वियस चीज़ है। तो वो बोलता है चलो सो लिया जाए थोड़ा, तो सोता रहता है। तब तक उसको ऐसा फील होता है कि उसके पैर के पास कुछ छिल डुल रहा है, तो डर के उठता है तो देखता है ये तो हमारी यून का एक पेट है क्यूट सा। ये पेट मुझे बहुत क्यूट लगा, एंड बाय द वे इसका नेम क्या है मुझे नहीं पता, आप बताना। फिर हमारा हीरो उसे उठा के बोलता है ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस, ये मेरा फन फैक्टर था। तो उसे बोलता है तुम तो यार बिल्कुल अपनी ओनर की तरह क्यूट हो, जैसे वो मुझसे रूम में मेरे रहने के लिए रिक्वेस्ट करती है ना, वैसे ही तुम भी उसकी तरह ही दिख रहे हो। देन उसके लिए हमारा हीरो एक छोटू सा क्यूट सा घर बनाता है। जब हमारी यून वापस आती है अपने जॉब से तो देखती है उसका क्यूट सा बेबी एक उसके घर में है, तो वो बहुत देख के खुश हो जाती है। फिर हमारा हीरो भी उसे देख के बड़ा खुश हो जाता है। यून हमारी जॉब से आते हुए उसके लिए कुछ लेके आती है जिसे देख के वो बोलता है बस यही, तो बोलती है चलो कुछ पिया जाए। तो जब पीने के लिए बैठते हैं, हमेशा पीते ही रहते हैं लोग यार। देन हमारी यून बोलती है वो वाइन का नेम क्या था जो मैंने पहले पिया था। तो हमारा किन बोलता है ये भगवान जब तुझे याद नहीं रहता तो तू पीती क्यों है, उस वाइन का नाम मेलबरी था। यून देन बोलती है वाह तुझे तो याद है। तो हमारा किन बोलता है ओ माय गॉड कैसे भूल सकता हूँ वो दिन, तेरी वजह से मुझे कितनी सारी गंदगी साफ़ करनी पड़ी थी उस दिन, पी पी के तूने तो पूरा बॉटल खाली कर दिया था एंड अपना पेट भी पूरा खाली कर दिया था क्योंकि तू इतनी वॉमिटिंग कर रही थी कि पूरा टॉयलेट चोक कर दिया था तूने। हमारी यून देन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगती क्योंकि उसको इतनी प्यारी प्यारी बातें नहीं सुनने को मिली थी ना पहले, क्योंकि उसे याद ही नहीं था ये सारी चीज़ें। हमारी यून देन बोलती है अच्छा सुन, क्या तुझे कभी मिर से लेके अलग सा कुछ नज़रिया नहीं आया, जैसे मैं फ्रेंड ना होके कुछ और, या फीलिंग डेवलप हुई क्या तेरी मेरे से रिलेटेड। देन हमारा सख्त लौंडा बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, क्या हुआ कुछ बात है क्या। तो यून बोलती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, चलो यहीं पे इन लोग की बातें ये सारी ख़त्म होती हैं। देन हमारी यून बोलती है लेट्स गो कुछ फ्रेश एप्रिकॉट्स तोड़ते हैं। तो मुझे तो लगता है इनके घर में ही है, बट ये लोग चोरी करते हैं, एक नंबर के चोर हैं ये लोग। फिर ये बगल के घर से तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, यून हमारी तोड़ने की कोशिश करती रहती है। फिर हमारा हीरो उसकी हेल्प करता है, हेल्प करने के बाद एक तो टूटता है इन लोग से कैसे कैसे करके, तो उसकी स्मेल लेने के चक्कर में ये लोग इतने नज़दीक आ जाते हैं कि आगे आप देख ही सकते हो क्या हो रहा है। यून कैसे कैसे करके अपने आप को बोलती है नहीं ये गलत हो रहा है, तो वो पीछे हट जाती है। देन हमारे हीरो को पता नहीं क्या होता है, अलग सा भूत सवार होता है, वो जाके सामने से उसको किस कर देता है। फिर इन लोग के लिए थोड़ा ऑकवर्ड सा सीन हो जाता है। फिर ये लोग वापस आने लगते हैं तो एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तो पीछे हट गई थी, तुमने ऐसा क्यों किया। इनके आर्गुमेंट्स बढ़ने लगती है। हमारा किम बोलता है तू वापस आई क्यों, देख रही है ना क्या क्या हो रहा है, अगर तू नहीं आती तो ये सब नहीं होता। तो हमारी यून बोलती है मेरी ही तो गलती नहीं है ना, तो बोलता है आज हम फिर वही गलती कर देते पहले की तरह, समझी तू वापस अपने घर पर चली जा। तो हमारी यून बोलती है यार तू समझ नहीं रहा मेरी क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर वो बोलती है ठीक है अब मैं तेरे से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखूँगी, 2 फुट की दूरी, ठीक है। यून हमारी आगे जाने लगती है। देन हमारा हीरो लाइक अब क्या करूँ इसका। और तभी हमारे किम का ही नाम का फ्रेंड जो कि एक म्यूजिशियन है वहीं उसे मिल जाता है, एंड हमारी यून को उसकी गर्लफ्रेंड समझ बैठता है। तो हमारा फ्रेंड बोलता है भाई रोक इतना ज़्यादा फ्लो में मत बह, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है गर्लफ्रेंड नहीं है। ही बोलता है बट यार ये तो एक्चुअली में बहुत क्यूट है। हमारी यून तो आगे ही चली जाती रहती है। फिर वो उसी नाइट की बात लेकर वापस किम की तरफ आने लगती है। देन हमारा हीरो लाइक अब क्या करूँ इस टफर का,
सो सीधा यून की बात को काटते हुए हमारी यून को ही से इंट्रोड्यूस करवाता है, और हमारी यून का तो फेस देखने लायक था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो उस म्यूजिशियन की बहुत बड़ी फ़ैन रहती है, उसके सारे गानों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो हमारा ही भी लाइक आई एम नोइंग पर्सन, हमारा किम तो उसका फेस देखने लायक था, लाइक यार ये हो क्या रहा है, ये लोग इतना ज़्यादा बात क्यों कर रहे एक दूसरे से। देन यून एंड ही एक दूसरे से इतनी डीपली बातें करने में खो जाते हैं कि वो हमारे हीरो को ही भूल जाते हैं कि उनके साथ वो भी है। देन हमारा किम उस 2 महीने पहले की रात को याद करने लगता है जब हमारी यून उसके घर पे आई थी और ब्रेकअप हो गया था एंड उसका बर्थडे भी था, तो वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था और वो काफ़ी रो भी रही थी। कोई भी रोएगा, 5 साल पुराना रिलेशनशिप जो कि आज टूट गया बेचारी का, तो रो रही थी। और हमारा हीरो किम, अरे कोई नहीं, मैं तो पहले ही तेरे को बोल रहा था कि उससे मत तू मिल, वो अच्छा नहीं है, बट तू तो नहीं बोली यार, तूने पहले तो मना नहीं किया था, अगर तू पहले कर देता तो आज मुझे पेन तो नहीं होता ना। हमारे किम से वो फाइट करने लगती है, फिर हमारा किम बोलता है अरे तू 5 साल उसके ऊपर वेस्ट कर रही थी, मैं पहले ही तुझे बोल रहा था कि मत कर, तो बोलती है ठीक है अब मैं वो करूँगी जो मेरा मन करेगा उसकी तरह ही, जैसे वो आज शादी कर रहा है मैं भी कुछ करूँगी, तो बोलता है हाँ तू कर पाएगी क्या, तो सच में वो उसको किस कर देती है। देखिए क्या होता है फिर आगे। हमारा किम थोड़ा हिचकिचाता है बट वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। देन हमारा किम जब मॉर्निंग में उठता है तो उसको सच में अजीब तो लगता है बट वो अपनी साफ़ सफाई में जुट जाता है माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। देन वो कोक की बॉटल को फेंकने ही वाला रहता है बट उसे ऐसा रियलाइज़ होता है कि नहीं इसको नहीं फेंकना चाहिए, तो अपने फ्रिज में ले जा कर रख देता है। देन जब हमारी यून उठती है तो थोड़ा तो ऑकवर्ड सिचुएशन दोनों के बीच में रहता है, ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे रहते हैं बट एक दूसरे से वो लोग बातें करके कन्फर्म करते हैं कि ये सारी चीज़ें एक मिस्टेक थी और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। देन बोलते हैं रीस्टार्ट चुटकी बजा के।